नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो पटना की जो ट्रेन का सौगात मिली थी, उस ट्रेन का टाइम टेबल और उद्घाटन डेट, कब से गोड्डा से परिचालन शुरू होने वाला है, उन सारे चीज का अपडेट मुझे प्राप्त हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने स्क्रीन शॉट में लगा दिया है। और यह ट्रेन कब से चलेगी, इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को यह जानकारी दे दूँ कि गोड्डा से टाटा नगर का पहला सौगात मिला था, जो कि उसका भी 22 अक्टूबर से गोड्डा स्टेशन से परिचालन शुरू हो रहा है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इंड स्क्रीन में, यानी कि वीडियो के लास्ट में चार वीडियो आएगा, आप लोग वहां से वॉच कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि गोड्डा से यालदा जो ट्रेन दूसरा सौगात मिला था, उसका भी उद्घाटन डेट जारी हो चुका है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था 12 नवंबर से गोड्डा स्टेशन से इस ट्रेन का परिचालन शुरू हो रहा है। यदि आप लोगों ने वो भी वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लास्ट में वीडियो आएगा, आप लोग वहां से वॉच कर लीजिएगा। और दोस्तों आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों गोड्डा से पटना का जो ट्रेन का सौगात मिला था, उसका टाइम टेबल, उद्घाटन डेट और कब से गोड्डा से परिचालन शुरू हो रहा है, वो सारा चीज जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिएगा आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गोड्डा को तीन ट्रेन का सौगात मिला था, जो कि पहला गोड्डा से टाटा नगर, गोड्डा से सियालदा और गोड्डा से पटना। तो गोड्डा से टाटा नगर और गोड्डा से सियालदा का जो ट्रेन थी, उसका टाइम टेबल, कब से ट्रेन रवाना होगी गोड्डा स्टेशन से, 22 अक्टूबर को टाटा नगर के लिए, 12 नवंबर को सियालदा के लिए और पटना के लिए भी दोस्तों जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, गोड्डा से जो पटना के लिए ट्रेन रवाना होने वाली है वह 10 दिसंबर को। जी हाँ दोस्तों, 10 दिसंबर से गोड्डा से पहली बार पटना के लिए ट्रेन रवाना होने वाली है। साथ ही इसका भव्य तरीका से उद्घाटन होगा। तो आप लोग यदि गोड्डा स्टेशन के नज़दीकी हैं तो आप लोग जरूर आएं, मैं भी मौजूद रहूंगा स्टेशन पर। और साथ ही दोस्तों चलिए सबसे पहले रूट को जान लेते हैं कि गोड्डा से जब ये ट्रेन खुलेगी तो राजेंद्र नगर किस किस स्टेशन पर रुकते हुए जाएगी। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जब गोड्डा स्टेशन से यह ट्रेन राजेंद्र नगर के लिए रवाना होगी तो किस किस स्टेशन पर रुकते हुए यह ट्रेन राजेंद्र नगर तक जाएगी। गोड्डा स्टेशन से जब खुलेगी ट्रेन तो पुरैया हाट रेलवे स्टेशन में रुकेगी। इसके बाद दोस्तों हसडिया रेलवे स्टेशन में रुकेगी। इसके बाद बाराहाट जंक्शन में यह ट्रेन रुकेगी। इसके बाद धौनी रेलवे स्टेशन, ये हॉल्ट है दोस्तों, यहाँ भी रुकेगी। इसके बाद दोस्तों भागलपुर रेलवे स्टेशन में रुकेगी। इसके बाद सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में रुकेगी। इसके बाद बरियारपुर रेलवे स्टेशन में रुकेगी। जमालपुर रेलवे स्टेशन में रुकेगी। अभयपुर रेलवे स्टेशन में रुकेगी। क्यूल जंक्शन में रुकेगी। लखीसराय जंक्शन में रुकेगी। मोकामा जंक्शन में रुकेगी। बार रेलवे स्टेशन में रुकेगी। बख्तियारपुर जंक्शन में रुकेगी। फतुआ जंक्शन में और लास्ट राजेंद्र नगर पहुंचेगी। दोस्तों इसका टाइम टेबल और पूरा डिटेल्स पहले ही वीडियो मैंने बना दिया है, इस एंड स्क्रीन में आएगा, यानी कि वीडियो का लास्ट में आएगा, आप लोग वहां से वॉच कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बहुत जल्द आप लोगों को गोड्डा पिरपैति का अपडेट मैं देने वाला हूं, और काफी जबरदस्त, क्योंकि गाइस मैंने आप लोग को बताया था कि 2023 से गोड्डा से काम शुरू हो जाएगा, और जो पुल का निर्माण होने वाला था, यानी कि गोड्डा और पंजवारा रोड के बीच में जो पुल बन रहा था गोड्डा स्टेशन के रोड के इस पार, वह अब तैयार होने वाला है। तो उसका अपडेट आप लोग को बहुत जल्द इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। फिर भी मन में कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।